हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ये देखिए, आज हम बिना उबाले मटन को बनाए हैं। इसका सालन देखिए, एकदम परफेक्ट उतरा है। ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी। आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए आपको हम इसका फुल रेसिपी बताते हैं। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 1 kg मटन ले लिया है। यहाँ पर हम 1/2 किलो प्याज को कट कर लिया है, 3 टमाटर यहाँ पर कट कर लिए हैं और 10 हरी मिर्च कट कर लिए हैं। अब इसमें हम ये सब ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को ऐड कर लिया है, हमें टमाटर भी ऐड कर लेना है। हरी मिर्च अब ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी ले लिए हैं और यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भुने हुए जीरे को डाल लेते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और हम 2 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर ले रही हूँ। हम लहसुन को इसमें पीसे नहीं हैं, इसमें हम खून कर डाले हैं, आप पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 100 ग्राम राई का तेल ऐड करती हूँ। अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिक्स हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक को ऐड कर लेते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसे ढककर हम 10 मिनट तक पकाएंगे कि ये अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं, हमारे मटन में ये पानी छोड़ चुका है। अब इसे हमें 5 मिनट तक और भून लेना है, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा मटन भुन चुका है, मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे ढककर हम 10-15 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा मटन एकदम अच्छी तरह से हो गया है और इसका कलर भी अच्छी तरह से आ गया है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक देंगे।